नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागी। तो आज हमने डिस्कस करने हैं हमारे नेल्स जो हमें साइंस देते हैं उनके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो कृपया इसे पूरा ज़रूर देखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा जो नेल होते हैं वो हमारी हेल्थ को किस तरह से दर्शाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी ऐसे कौन कौन से साइंस हमारे नेल से हमें देखने को मिल जाते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर हमारा जो नेल बेड है वहाँ पर हमें एक ब्रॉड सी ब्लैकिश सी लाइन नज़र आती है, तो वो सब एंगल मेलेनोमा हो सकता है, यानी हमारे नेल्स का एक तरह का कैंसर होता है वो हो सकता है। नेल्स हमारे ब्रिटल होने लग जाते हैं, साथ में उसे वहाँ से नेल बेड से ब्लीडिंग का भी कंप्लेंट आने लग जाता है, तो ये सब एंगल मेलेनोमा हो सकता है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर्स बायोप्सी करते हैं, यहाँ का सैंपल कलेक्ट करते हैं और साथ में जाँच से पता चलता है कि वेदर इट इज़ नॉर्मल और समथिंग इज़ हैपनिंग विद योर बॉडी। तो फर्स्ट मैं ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है अगर हमारा जो नेल है वो पेल हो रहा है। यूजुअली हमारा जो नेल का कलर होता है वो पिंकिश रहता है, लेकिन अगर वो पेल हो रहा है इसका मतलब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। पेल हमारे अगर नेल्स हैं तो हमारे आयरन की कमी को दर्शाते हैं, मतलब हमें एनीमिया हो रहा है या फिर मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। नेक्स्ट होता है क्लबिंग। क्लबिंग को कैसे देखेंगे हम? क्लबिंग बेसिकली क्या है, अगर हमारा जो नेल है वो हमारा स्मूथ है, क्लब्ड नेल जो होते हैं वो हमारे 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाने लग जाता है, यानी देखने में वो राउंडेड शेप के हो जाते हैं, तो उसको हम क्लब्ड नेल कहते हैं। क्लब नेल को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने नेल्स बेड नेल्स को आपस में टकराएं, अगर बीच में डायमंड बना आपको नज़र आता है इसका मतलब आपके नेल्स नॉर्मल है और आपको इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों में क्लब्ड नेल्स की दिक्कत आती है उनमें देखा जाता है या तो लंग रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है, या लिवर डिसऑर्डर कुछ हो रहे हैं, या फिर हार्ट रिलेटेड कोई ट्रबल्स उनमें हो रहा है। जो हमारा नेल बेड है वो राउंडेड शेप का होने लग जाता है। ये मैंने आपको सेकेंड साइन बता दिया, जिससे हम पता लग सके कि कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं येलो नेल्स की, यानी पेल नेल दूसरा होगा। येलोइश में क्या होगा, एक टिपिकली येलो कलर का हमारा नेल बेड हो जाता है, नेल का कलर येलो लगने लग जाता है, वो यूजुअली हमें जॉइंटस में मिलेगा या लीवर फेल्यूर के केसेस में मिलेगा। किसी केसेस में हमें फंगल इन्फेक्शन अगर नेल्स का हो रहा है तो भी इस तरह का डिस्कलरेशन देखने को मिल जाता है, और कभी कभार हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में भी इस तरह का पेलनेस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरीज नेल की। आपने नोटिस किया होगा कि आपके नेल्स में एक मून शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है, वो यूजुअली नॉर्मल होता है। टेरीज नेल में क्या होता है कि जो हमारा नेल है उसके ऊपर की तरफ एक मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, आधा नेल ऊपर का सफ़ेद है, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ रेडनेस है, इसे टेरीज नेल्स कहते हैं। टेरीज नेल यूजुअली हमें लीवर फेलियर में, हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स में या डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूज लाइंस की। ब्यूज लाइंस जो होती हैं हमारे नेल्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपने देखा होगा अगर वर्टिकल रिजेस आ रहे हैं वो यूजुअली नॉर्मल होती है, पर अगर हॉरिजॉन्टल ब्यूज लाइंस अगर आ रही हैं तो वो एक तरह का दिक्कत को दर्शाते हैं। ब्यूज लाइंस जो होती हैं यूजुअली कावासाकी डिजीज में, हाइपोनेट्रीमिया में, डायबिटीज मेलाइटिस में, मर्म्स या मीजल्स के केसेस में, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर आ रही हैं उनमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पून शेप नेल की। अगर नेल बेड जो है हमारा स्पून शेप्ड हो गया है, यानी नेल बेड जो है जो स्मूथ टेक्सचर का होता है, यहाँ एक तरह का स्पून लाइक स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है, इसको कॉलिंचिया भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसीज हो रही हैं। उसके अलावा किन्हीं केसेस में ये हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी देखने को मिल जाता है, बट यूजुअली ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ही केस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लूइश नेल्स की। अगर नेल्स ब्लू हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि पेशेंट साइनोस्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लेवल पेशेंट में कम हो रहा है। ये हो सकता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, एम्फाइसेमा में, या फिर अगर कोई हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स चल रहे हैं, हार्ट फेलियर की टूवर्ड्स पेशेंट जा रहा है, ऑक्सीजन पूरी तरह बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, उन केसेस में साइनोस्ड नेल यानी ब्लू नेल्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल पिटिंग की। नेल पिटिंग में क्या होता है, छोटे छोटे छेद लाइक स्ट्रक्चर आपको अपने नेल्स में नजर आते हैं, छोटे छोटे
ऐसा लगता है छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं। ये यूजुअली सोरियासिस एक स्किन कंप्लेंट है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और ये सोरियाटिक अर्थराइटिस के केसेस में भी देखे जाते हैं। तो अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो आपने रूल आउट करना है कहीं सोरियासिस या सोरियाटिक अर्थराइटिस तो पेशेंट में डेवलप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइटिश स्पॉट की। अगर हमारे नेल बेड में नीचे व्हाइटिश स्पॉट नज़र आ रहा है, कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे सभी नेलों में वाइट वाइट स्ट्रक्चर सा डेवलप हो रहा है, वो यूजुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं जिंक डेफिशिएंसी हो सकता है। बट किसी किसी कारणों में ये चीज़ हमारा ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी डेवलप हो जाती, तो हमें ये चीज़ भी रूल आउट करनी है कि कोई ट्रॉमा या इंजरी तो नहीं हुआ या फिर वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से है। तब हम बात करते हैं ब्रिटल नेल्स की। अगर हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या फिर हल्की सी चोट लगने से ही वो टूट जाते हैं, हल्का सा आपने नेल को खींचा तो वो टूट गए, इसका मतलब आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं या फिर आपको हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। हाइपोथायरायडिज्म के केसेस में या फिर बायोटिन की कमी के कारण से भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनकायोमाइकोसिस यानी नेल बेड का फंगल इन्फेक्शन। अगर फंगल इन्फेक्शन आता है तो नेल्स हमारे जो है कहीं कहीं से ब्लैकिश होने लग जाते हैं साइड से, उनमें इरिटेशन सी रहने लग जाती है और एक स्पॉट हमेशा बना रहने लग जाता है और नेल वहाँ से ब्रिटल होने लग जाता है, तो हमें इसे रूल आउट करना है कहीं ये फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि नेल्स से हमें क्या क्या पता चल सकता है, क्या क्या साइंस हमारे नेल्स देते हैं जिनसे हम रूल आउट कर सकें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक मैंने पिकअप किया था ताकि आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मैं अवेयर कर सकूं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।